Assalamu alaikum, my dear YouTube family. I hope you are all doing great. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. अब सब लोगों को जो जो भी देख रहा है उसे ईद मुबारक लेट विश कर रही हूँ. इस वजह से लेट विश कर रही हूँ क्योंकि हम लोग कनाडा में हैं और यहाँ पे ईद लेट ही होती है, तो एक दिन लेट. तो इस टाइम मैं अपने टेरेस पे थी और मैंने सोचा उठ के सबसे पहले आप लोगों को सुबह सुबह का एक खूबसूरत सा मंज़र दिखाया जाए. उसके बाद मैं किचन में गई और किचन में जाके जो मैंने सेवइयाँ बनाई थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी ईद प्रिपरेशन वीडियो में, तो वो मैंने सेवइयाँ खाई. और फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा तैयार हो लिया जाए, तो मेकअप स्टार्ट किया. सबसे पहले प्राइमर लगाया और आफ्टर दैट ये मैंने अपनी बेस ली और वो अप्लाई की. जो बेस मैं यूज़ करती हूँ वो 3-in-1 है. उसमें जो है बेस भी है, कंसीलर भी है और प्राइमर भी है. आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियरली नहीं फील हो रहा होगा. और उसके बाद मैंने रोज़ वाटर जो है अप्लाई किया और थोड़ी सी आईब्रोज सेट करने वाली थी वो भी साथ ही की. तो किसी दिन मैं मेकअप की डिटेल वीडियो बनाऊँगी. वैसे कोई इतना ख़ास मेकअप मुझे करना नहीं आता, बस ऐसे ही जो आता है वो कर लेती हूँ. तो लेकिन कोशिश करती हूँ, रोज़ वाटर बहुत अप्लाई करती हूँ मैं ड्यूरिंग मेकअप, क्योंकि उससे जो है कवरेज बहुत अच्छी हो जाती है और आपकी बेस जो है एक जगह पे जो है स्टक हो जाती है, वहाँ से ज़रा भी इधर उधर ना हिलती नहीं है. और इस टाइम मैं गौश का फेस सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही थी. और फिर उसके बाद अचानक से मुझे याद आया कि मैंने बिरयानी रखी हुई थी, तो मैं जल्दी से उसको चावल वगैरह ऐड करके वो रखने चली गई. और साथ फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय और वो मैंने पी. अपने हस्बैंड से भी मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने बोला कि उन्हें अभी नहीं पीनी, तो मैंने फिर बस अपने लिए ही बना ली. और बनाने के बाद मैं रूम में आई और रूम में आके दोबारा से मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया जहाँ पे छोड़ के गई थी. तो आई मेकअप मुझे बिल्कुल कोई इतना अच्छा करना नहीं आता, बस आजकल वीडियोस वगैरह देख के सीखने की कोशिश कर रही हूँ. तो मैंने जो अपना पैलेट चूज़ किया था वो रेवोल्यूशन मेकअप का किया था, बड़े वाला पैलेट. वो मैंने आप लोगों को वीडियो में अपनी मेकअप की जो मेरी कलेक्शन है उसकी वीडियो में दिखाया था. तो मुझे असल में आज वाइट एंड पिंक कलर का ड्रेस वेयर करना था, तो मैं चाह रही थी कि कोई इसी तरह की लुक हो. और उसके लिए मैंने एक दो वीडियोस भी देखी लेकिन जो वो यूज़ कर रहे थे उनमें से कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इन सब को छोड़ा जाए और कार्टून ही बनना है तो अपने तरीके से बन लिया जाए. तो खैर जस्ट जोकिंग, मेकअप तो ऑलमोस्ट डन हो गया था, बस कुछ कुछ रह गया था. और अभी मैं ये लगा रही हूँ वो जो होता है यहाँ लगाते हैं हाइलाइटर, तो ये भी बहुत अच्छा हाइलाइटर था. तो उसके बाद मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी, लिपस्टिक तो नहीं लिप ग्लॉस. पहले लिपस्टिक अप्लाई की, फिर लिप ग्लॉस. मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि क्या किया जाए और हेयर स्टाइल की समझ नहीं आ रही थी. तो मैंने सोचा कि पहले हेयर्स को जो है थोड़ा सा स्ट्रेट कर लिया जाए. उसके बाद मज़े की बात सबसे ज़्यादा ये कि मैंने कल, क्योंकि वीडियो कल की रिकॉर्ड की है, तो मैंने कल एक नहीं 3-4 हेयर स्टाइल थोड़ी थोड़ी देर के बाद ट्राई किए हैं. तो अगर आप पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो पिक्चर्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी. इंस्टाग्राम का लिंक मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंस्टाग्राम का लिंक है. तो मैं आप मेरे तीनों चारों हेयर स्टाइल वहाँ पर देख सकते हैं कि मैं क्या क्या करती रही हूँ. और उसके बाद मैंने ड्रेस वेयर किया. ड्रेस की वीडियो भी आप लोगों को, जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने ड्रेस आप लोगों को अपने दिखाए थे कि मैंने कौन कौन से पहनने हैं. तो उसके बाद मैं रेडी हो गई थी और पता नहीं कैसी लग रही थी. ये तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और मेरे साथ आप लोग अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर. तो फिर मैंने तैयार होकर सोचा कि आप लोगों को एक दफ़ा जो आप लोगों को दिखा दिया जाए कि कोई कैसी लग रही थी. तो खैर जाना तो कहाँ होता है, कहीं जाना तो होता नहीं है. और यकीन माने कनाडा की ईद बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, बहुत ही ज़्यादा फजूल थी. आप पाकिस्तान में होते हैं आप कहीं ना भी जाएं लेकिन फिर भी. तो
तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए जो है जा रही थी, वो इनके फ्रेंड हैं तो मेरे तो ऑब्वियसली बात है भाई लगे रिश्ते में, भाई और भाभी हम उनको बोलते हैं, तो हम उनके घर जा रहे थे। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे रोड्स पे आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, हालांकि पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पार्क बिल्कुल वीरान है, ना कोई जिन नज़र आ रहा है, ना कोई इंसान नज़र आ रहा है, ना कोई भूत नज़र। तो खैर पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जो है रौनक होती है ईद के दिनों में। आजकल तो वायरस की वजह से लोग घर ही पर होंगे, लेकिन फिर भी घरों में भी लोग एक दूसरे के घर आते हैं जाते हैं, वो एक जो माहौल होता है ना वो यहाँ पे नहीं। तो हम पहुँच गए उनके घर, हम चोरी चोरी आया। मैंने अभी कल जो तो यहाँ मैं और भाभी बातें कर रहे थे, और जो है ये इनका लाउंज है, और सोचा आप लोगों को घर भी इनका दिखा दूँ। साथ ही ये इनका एक बेडरूम है, और ये इसमें कवर्स वगैरह बनी हुई हैं, और उज़ैफा बैठा खाना खा रहा है और अपने कार्टून्स देख रहा है, और ये इनका दूसरा बेडरूम है। तो उसके बाद ये इनका किचन है, और ये डाइनिंग एरिया है, किचन है, और टेरेस बहुत प्यारा है, बड़ा बड़ा खूबसूरत सा, छोटू सा, बड़ा प्यारा सा। मुनी अजीद है, अजीद है, ईद मुबारक को खाला को, ईद मुबारक नहीं कहोगी, कह दो आपको भी ईद मुबारक। आपकी ईद कैसी गुजरी, मुनी की ईद कैसी गुजरी? क्या कह रही है भाभी, बताए क्या कह रही है मुन्नी? कोई बात नहीं, बताए ना क्या कह रही है। मुन्नी की बहुत अच्छी गुजरी, मुन्नी आज खाना खाने। तो जी फिर हम लोग पहुंच गए उनके बेडरूम में, और फिर वही औरतों वाला, मतलब औरतें नहीं लड़कियों वाले काम, अब इतनी जल्दी थोड़ी औरतें बन जाएंगे हम लोग। तो वही लड़कियों वाले काम, और फिर भाभी ने मुझे अपनी सारी कलेक्शन मेकअप की दिखाई, जो कि उन्होंने काफ़ी सारा मेकअप इकट्ठा किया हुआ था सिफोरा का, और काफ़ी कुछ उन्होंने जो है लॉरा मर्सिया की जो है कलेक्शन, और दूसरी भी बहुत सारी हुदा ब्यूटी की, और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी उन्होंने ऑर्डर करवाई हुई थी, मतलब उनके पास मौजूद थी, और कुछ उन्होंने गिफ्ट्स भी लेके जाने हैं पाकिस्तान, तो वो भी उन्होंने काफ़ी सारी जो हैं किट वगैरह जो थी वो एक ही जैसी चार चार पाँच पाँच जो थी, और काफ़ी कुछ उन्होंने लिया हुआ था। और ये विटामिन सी सीरम था, सी प्लस ई, ये भी उन्होंने सिफोरा से मंगवाया था। तो उनके पास लिपस्टिक कलर्स बहुत अच्छे थे, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे अपनी लिपस्टिक्स ज़रूर शो करवाएं, ताकि मैं भी जो है आपकी तरफ देख के जो कलर्स अच्छे हैं आपने तो यूज़ किए हुए हैं, तो मैं भी वही ऑर्डर करवा लूँगी। खैर उनका मेकअप बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद है उनका मेकअप, और काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन उन्होंने इकट्ठी की हुई थी, और ये उन्होंने 3-4 पीसीस थे लिपस्टिक्स के जो उन्होंने एक साथ मंगवाए थे, और मैक की ये वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने बेस मंगवाई है, काफ़ी शायद बेस है या पाउडर है, काफ़ी जो है अच्छे वाला है ये। और ये इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी लिपस्टिक्स थी, बहुत प्यारी, और कलर्स भी बहुत अमेजिंग थे। तो बस फिर हम लोगों ने उनका मेकअप बैठ के देखा, तो कार्टून देख रही हो आप, ये आपने इतना सारा सामान क्यों इकट्ठा किया हुआ, क्या है ये आपकी चीजें हैं? अच्छा पानी दे दो फातिमा को, पानी अच्छा पानी पिलाना सवाब का काम होता है, अल्लाह फ्री का सवाब भी मिल रहा होता है। ये इतनी लंबी कॉल हो गई है, बच्चों को भी नींद आ रही है, बच्चे भी अब कह रहे हैं हमने सोना, देखो हाँ कितना प्यारा ना दिखाए भाभी, काफ़ी दिन हो गए थे मुझे इधर आए हुए भाभी की तरफ, तकरीबन जब से ये लोग शिफ्ट हुए तब से नहीं आ सके, जब वो उधर दरवाजे तक नहीं छोड़ने आना खाला को, मुझे पानी पीना है, पानी आप
पानी पीना आपने मैं। और फिर उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए और इस तरह से ईद का पहला दिन गुजर गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।